रोमन रेंस को लेकर उनके फैंस के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है। एक्सट्रीम रूल्स को लेकर बहुत सारी अपडेट्स हैं। वीर महान ऑफिशियली एनएक्सटी में वापस जा चुके हैं। बात करेंगे क्या कुछ कंफर्म है अगले रॉ के एपिसोड के लिए, तो वीडियो में ढेर सारी अपडेट्स होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE के लाइव इवेंट सुपर शो की, जहां पर हमें सोलो सिकोवा पहली बार दी उसोज के साथ टैग टीम में काम करते हुए नजर आए और उनके अपोनेंट्स यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन और द न्यू डे थे। और मैच के दौरान हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और सोलो सिकोवा का फेस ऑफ भी देखने को मिला, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन भारी पड़ रहे थे और इस मैच को ब्रॉन स्ट्रोमन और न्यू डे जीत जाते हैं। इसके अलावा हमें रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स का एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिला, जहां पर एजे स्टाइल्स की परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त होती है, लेकिन इस मैच को रोमन रेंस एक स्पेयर लगाकर जीत जाते हैं। इजिकल या फिर एलायंस की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE ने इजिकल को इंटरनल रोस्टर से हटा दिया है और बताया ये जा रहा है कि WWE फिर से एलायंस को वापस लाने वाली है। और इसी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्टजर बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि एलायंस की हमें टेलीविजन पर तभी वापसी देखने को मिलेगी जब उनकी बियर्ड फिर से पूरी तरह से ग्रो हो जाएगी, और क्योंकि उन्हें इजिकल के कैरेक्टर के लिए पूरी तरह से शेव करना पड़ा था तो ऐसे में उन्हें थोड़ा बहुत टाइम तो लग सकता है। वीर महान की बात करें तो उनसे रिलेटेड एक बहुत ही सैड न्यूज है और WWE ने उन्हें फिर से NXT में वापस भेज दिया है, जहां पर वो अपने पुराने टैग टीम पार्टनर यानी सौरभ गुज्जर के साथ एक टैग टीम में काम करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें एक टैग टीम के तौर पर मेन रोस्टर पर लाया जाएगा। अगले मंडे नाइट रॉ की बात करें तो WWE ने पहले से ही बहुत सारे मैचेस कंफर्म कर दिए हैं और देखने से ही लग रहा है ट्रिपल एस रेसलिंग पर कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रॉ पर हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई का मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा सैमी ज़ेन रॉ पर आने वाले हैं और वो फेस करेंगे एजे स्टाइल्स को। सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो का भी एक 1-on-1 मैच होगा। इसके अलावा केविन ओवेंस और जॉनी गार्गानो फेस करेंगे अल्फा एकेडमी को एक टैग टीम मैच में। एक सिंगल्स मैच जो कि रिडल और डेमियन प्रीस्ट के बीच होगा और शायद ही हमें रॉ का मेन इवेंट भी देखने को मिल सकता है। एक्सट्रीम रूल्स की बात करें तो जीरो न्यूज की तरफ से एक्सट्रीम रूल्स के लिए बहुत सारी अपडेट्स आई हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्सट्रीम रूल्स में 6 या फिर 7 मैचेस होंगे। यहां पर टैग टीम चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होने वाले, लेकिन WWE अभी US टाइटल के लिए एक मैच देख रही है पर अभी तक कोई भी प्लान्स नहीं है। इसके अलावा एक्सट्रीम रूल्स में बेली और बियांका ब्लेयर के बीच एक लैडर मैच होगा और हमें एक्सट्रीम रूल्स के लिए एज और बेलर के बीच एक मैच सेट होते हुए दिखाई देगा जो कि एक आई क्विट मैच होगा। तो गाइज ये सारी चीजें देखने के बाद तो ये लग रहा है कि इस बार का एक्सट्रीम रूल सच में एक्सट्रीम होने वाला है। तो हमारी लास्ट और फाइनल अपडेट हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस से जुड़ी है और उनके फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है। और आज WWE के लाइव इवेंट में हमें रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिला, लेकिन अपडेट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस अब क्राउन जूल से पहले कहीं भी कम्पीट नहीं करने वाले। मतलब उनके प्रोमोज वगैरह तो होंगे ही, लेकिन वो मैच रेसल नहीं करेंगे, ना ही टीवी शोज पर और ना ही लाइव इवेंट्स में, जो कि उनके फैंस के लिए बहुत ही बुरी अपडेट है। तो गाइस बस आज की अपडेट वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप एक्सट्रीम रूल्स के लिए कितने एक्साइटेड हैं। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी गजब की अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।